जी निशा नागर का सवाल है, लेकिन उनके प्रोफाइल से किरण सवाल पूछ रही है अपनी माता जी के लिए। वो कह रही है कि उनको उनकी माता जी को ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया है, जो 2 साल से दर्द उनको है लगातार, और इंजेक्शन भी उनको लगाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन 6 महीने से कुछ रिलीफ रहा, अब दोबारा उनको फिर से वही सारी शिकायत है, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया इसको बोलते हैं, एक दर्द होता है जो आँख और कान से चलता है और दांत तक आता है, यहाँ तक होता है। ये कहते सलमान खान को भी हो गया था ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, तो लोग मेरे से आकर के बोलते थे समझी मेरे को वो दर्द हो गया जो सलमान खान को है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये भी कर ले। स्वामी जी आपकी अदालत में उन्होंने बताया था सलमान खान, तो विलोम करो बच्चों सब तुम लोग अपनी इस परेशानी के बारे में। हाँ, तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ये 100% अच्छा हो जाता है, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और इसमें एक्यूप्रेशर भी मैं बता दूंगा आज। एक्यूप्रेशर करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और वो भी वात रोग, वात हर दर्द के मूल में वात रोग है, तो जिनको भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है वे सब के सब, जो बहन ने प्रश्न पूछा उसके साथ साथ सबके लिए बता दे रहा हूँ, वो सब के सब खाली पेट गिलोय घनवटी ले लें, और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी ले लें, चंद्रप्रभावटी, और एक हम पीड़ा तक उपलब्ध करवा देते हैं, एक वातारी चूर्ण होता है वो खाने के बाद ले लें, अथवा घर में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर बना करके उसका इस्तेमाल कर लें। उत्तान पादासन नौकासन ये तो जितना जिससे बन पाए और ये सब कर लें, और उसके बाद में ये जो है प्राणायाम ना इसमें सबसे ज्यादा लाभ करता है, चाहे वो भस्त्रिका का प्राणायाम है। स्वामी जी एक और सवाल शामिल कर लेते हैं, चाहे फिर जो है कपालभाति प्राणायाम जी, और ये मेरे लिए बड़ा नया सा है, सुलोभ कांति दास है। प्रश्न ले लीजिए। हाँ, सुलोभ कांति दास का सवाल है कि उनको गम्स में, जबड़े में दर्द होता है आर्थराइटिस का, अब तक मैं सुनता आया था कि ज्वाइंट्स में, उंगलियों में, घुटनों में, कमर में तकलीफ होती है, गर्दन में हो सकती है, लेकिन इनके जबड़े में जो गम्स हैं उसमें इनको दर्द होता है, तो ये इससे कैसे निजात पा सकते हैं? जबड़े में भी हर एक ज्वाइंट जकड़ेगा, वैसे जबड़े में जो दर्द होता है और गम्स में जो दर्द होता है उसके लिए तो दिव्य, अपना जो दिव्य दंत मंजन है, दंत कांति है, इसका इस्तेमाल करें। और एक बहुत खास बात बता रहा हूं, टॉयलेट जाते समय दांत दबा करके और तब टॉयलेट में जाया करें, फिर ये जो टॉप्स है ना, टॉप्स है नेल्स की, यहाँ से इनको ऐसे कठोर सरफेस के ऊपर, फर्श के ऊपर ऐसे ऐसे 5 मिनट ऐसे कर लिया करें। इस तरह से करने से कपाल भाती किया करें, और वातारी चूर्ण ले लें, जो वात रोग बढ़ने से मसौड़े फूलते हैं। अब ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, कोई डेंटिस्ट नहीं बताएगा, वात रोग बढ़ने से मसौड़े भी फूलते हैं। आपका पेट साफ है, वात का प्रकोप नहीं है, तो मसौड़े नहीं फूलेंगे। एक तो ये अभ्यास करें, त्रिफला चूर्ण लें और दिव्य दंत मंजन करें, मंजन करने के 5 मिनट बाद तक कुल्ला ना करें, उसके बाद में कुल्ला करें, और वातारी चूर्ण ले लें, उसमें वैसे घर में भी हल्दी मेथी सौंठ और उसमें अश्वगंधा मिला करके बना सकते हैं, तो वातारी बना हुआ ले सकते हैं। और गम्स के अंदर सरसों का तेल 1 चम्मच, उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक डाल दें, व्रत उपवास भी नहीं टूटेगा। सरसों का तेल 1 चम्मच, उसमें जो है 1 ग्राम वो डाल दिया सेंधा नमक, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, और हो सके तो जो कोयला होता है ना, चारकोल बोलते हैं, उसका भी पाउडर डाल दें, उससे अपने दांतों की मसाज किया करें। ये घरेलू मंजन बता दिया है, उसमें त्रिफला मिल जाए तो अच्छी बात है, बबूल नीम की छाल मिल जाए तो वो भी डाल लें, तुमरू भी डाल लें, जो उपलब्ध हो जाए घर में, कम से कम 3 चीजें, हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल या तिल का तेल, उससे ही अपने मसोड़ों पर मसाज कर लेंगे, उनका पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। कपाल भाती जरूर करें, मेरे भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने अपनी ठीक की है। स्वामी जी विलास का एक सवाल है, जिनकी उम्र 57 साल की है, वो ये पूछना चाहते हैं कि उनको डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट कर दिया है, तो वो ये जानना चाहते हैं स्वामी जी कि क्या योग और आयुर्वेद में वो इस रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, क्या योगग्राम आके वो इस परेशानी को दूर कर सकते हैं? देखो यार, नी रिप्लेसमेंट के लिए सबको बोला हुआ है, जो बाईं तरफ बहने बैठी हुई सबको बोला हुआ है कि घुटने बदलवाने पड़ेंगे, एक ही बात बोली हुई,
ये जो बाबा जी ऊपर बैठे हुए इनको भी बोला हुआ है, जिनका अभ्यंग चल रहा है उनको तिल का तेल या सरसों के तेल में जो मैंने द्रव्य बताए थे पक गए भाई तुम्हारे है? तो ये पका करके इससे मसाज करने के लिए सबको रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ है। और मैं कहता हूं 99% लोगों का घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन और आंखों का ऑपरेशन, कानों का ऑपरेशन, ये ज्वाइंट अब इनको कैसे करेंगे? अब ये ज्वाइंट जो है पूरे जो जाम हो गए, इनका कोई ऑपरेशन करके सीधा कर सकता है? नहीं कर सकता। इधर आओ लास्ट वाली बेटी, इधर आ जाओ। अब इसको कैसे कोई कहेगा कि हम आपका ऑपरेशन करके इसको ठीक कर देंगे? इधर बैठो बेटा। अब इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, ऐसे इसको कौन सीधा कर देगा? यहां जाम है ना, तो पांव की भी जाम है, हाथ उठाओ। अब देखो इससे ऊपर नहीं उठ रहा है, अब मैं इसका ऊपर उठाता हूं। तो प्राणायाम करें, और इसके लिए मैंने पहले ही बताया था महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति, बृहतवा चिंतामणि और पुनर्नवादी मंडोर, ये 10-10 ग्राम लेकर के और 2-3 ग्राम इसमें बृहतवा चिंतामणि मिला करके अब इसको दर्द होगा। स्वामी जी खाली पेट खाएं, जुड़ी हुई एक और समस्या है, महिलाओं में कैल्शियम डीके सबसे ज्यादा होता है। 30 के बाद ही कहने लगते हैं कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, इन लोगों के लिए क्या उपचार है? दर्द इतना, कैल्शियम की कमी के लिए सबसे अच्छा है कि बचपन से ही दूध दही घी खाने की आदत डालें। अब बचपन से दूध दही घी खाते नहीं, अरे सुबह उठ करके मैं तो कहता हूँ एलोवेरा गिलोय और एक वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, एक चम्मच ये पी लिया करें खाली पे, तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, चिकनी रहेंगी, कहीं ग्रीस कम नहीं होगा, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे। एलोवेरा और गिलोय इसका रोज सुबह प्रयोग करें। और कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स है आयुर्वेद में मुक्ता शुक्ति, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, इसलिए मैं बार बार बता रहा था, वो आधा आधा ग्राम सुबह शाम ले लिया करें मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति इसमें 2 ग्राम मोती पिष्टी बना लें, मिला लें और इसका आधा आधा ग्राम सुबह शाम खा लें, कैल्शियम की पूरी पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का सबसे रिसोर्स आयुर्वेद में।